राजस्थान में कर्मचारियों के वेतन से अप्रैल माह में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सरकार के राजस्व में गिरावट के कारण मार्च माह में कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन से 75% तक की कटौती की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी विधायकों के वेतन का 75% मार्च माह का स्थगित किया गया था। तो IAS IPS का 60% और RAS और अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों का 50% और अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का 30% वेतन स्थगित किया था। हालांकि लॉकडाउन के चलते सरकार के राजस्व में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन अप्रैल माह के वेतन से राज्य सरकार किसी तरह की कटौती नहीं करेगी। CS DB गुप्ता ने जानकारी देते हुए यह बताया। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी में वेतन का कार्य चल रहा है और जल्द ही कर्मचारियों को अप्रैल माह का वेतन भेजा जाएगा। तो चलिए, हमारे संवाददाता दिनेश कसाना इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, यहां पर एक राहत भरी खबर है कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल, हमें देखिए, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मार्च के महीने में जिस तरह लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के चलते वेतन स्थगित किया गया था, 75% जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी उनका मार्च माह का वेतन स्थगित किया गया था। मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम MLA जो उनका 75% मार्च माह का वेतन स्थगित हुआ था। तो वहीं जो IAS और IPS सेवा अधिकारी हैं उनका 60% वेतन मार्च माह का स्थगित किया गया था। तो अब इस अप्रैल महीने की बात की जाए तो तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको पूरा वेतन मिलेगा। राज्य जो ट्रेजरी हैं उनमें उनके वेतन का काम शुरू हो गया है, जल्द ही उनका वेतन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चीफ सेक्रेटरी DP गुप्ता हैं, उन्होंने आज ये जानकारी देते हुए कहा मार्च के महीने में राजस्व के घाटे के चलते ये वेतन स्थगित का निर्णय राज्य कैबिनेट के लिया गया था, लेकिन अब अप्रैल के महीने में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दिनेश।